हेलो गुड आफ्टरनून क्लास प्लस टू 12:20। आपका टाइम 12:20 आपके क्लास हो रखे हैं। आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए थे? 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मिक्स क्वेश्चन बीच में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन छुड़वाया हुआ है, एक मैंने आपको एट्थ क्वेश्चन स्किप करवाया हुआ है। उन क्वेश्चन को भी स्किप रखना है। आज का जो मैंने काम करवा दिया, आज आपका छुटपुट जो बीच का काम है वो करवा दिया जाएगा। देन आपका फिर जो कल का दिन बचेगा उस दिन में आपने क्या करना है, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। बट कंडीशन सिर्फ एक है, जो आज का लेक्चर का काम है वो आज ही खत्म होना चाहिए। और आज का काम आसान है, आज का काम बहुत आसान है, सब बच्चों को बता रहा हूं मैं। आज का काम सबसे आसान काम है। इस टाइम जो बच्चे ऑनलाइन जो देख रहे हैं और ऑफलाइन हमारे पास आज यहाँ पे 9 बच्चे बैठे हैं, तो वो 9 बच्चे भी आज मेरी बात सामने सुन भी रहे हैं। ऑनलाइन आप बच्चे साथ देखेंगे ही है, धीरे धीरे हम बच्चों को बुलाना देखेंगे। जस्ट फॉर शेड्यूल इनका बनाया था आज, तो इनके साथ बात हुई है, आप धीरे धीरे आपके साथ ही बात करेंगे सब बच्चों के साथ, ठीक है जी। तो आज हम अकाउंट्स के टिपिकल टॉपिक्स को नहीं, आसान टॉपिक कर लिया तो कल रह गया सिर्फ क्या, टिपिकल टॉपिक। वो टिपिकल नहीं है, वो है आसान है, लेकिन अगर ध्यान से करा तो। और इस वीडियो के बाद आपके पास अगली वीडियो जो आएगी वो अपलोडिंग इसको टाइम लगेगा, वो आपको 4 बजे से पहले पहले मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स की वीडियो होगी जो, ठीक है, उसकी जो जूम क्लास होगी वो कल होगी। इकोनॉमिक्स की वीडियो को तो इकट्ठा जूम क्लास में, कल की जूम क्लास में लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स की जूम क्लास अलग से ली जाएगी, अकाउंट्स की जूम क्लास को देखेंगे अलग से लेंगे। दोनों का ज्वाइन करके उसको 50-60 मिनट का ले लेंगे, 40+20 और अटैच कर लेंगे। तो जूम क्लास पे जो आज के डाउट्स देखे जाएंगे वो आपके अकाउंट्स के ही समझे जाएंगे, क्योंकि ऑडियो और वीडियो आज आपको पहुंचेगी। आपने देख के थोड़ा सा अगर आप पूछना चाहते हैं उस चैप्टर के बारे में, वो के बारे में, तो वो भी आप जज कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज से हम शुरू करते हैं अगला काम। एग्जाम्पल नंबर 13 से काम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बोर्ड देखिए। सब बच्चों को बोर्ड दिख रहा है? सौरभ जी आपको बोर्ड दिख रहा है? सॉरी सौरभ जी मेरे सामने बैठे हैं, अगर आप सौरभ इधर आ सकते हैं, अगर आप बोर्ड नहीं दिख रहा कंफर्टेबल है। आपने बोर्ड देखना है, कैमरा ही देखना, ध्यान रखें आप मुझे देखने आए। चलिए स्टार्ट करते हैं काम। काम क्या है? पिछला जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। कौन सा एग्जाम्पल किया था? एग्जाम्पल नंबर जो 1 किया था, उस एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मैंने परसों ही बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, एक नया बंदा आता है, अगर वो कुछ नहीं बोल रखा होता, तो कोई सैक्रिफाइस शेयर नहीं दे रखा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? लेट द प्रॉफिट 1 लगाते हैं। आप सबने ही किया, आप सबको देखा है कि आपने लेट द प्रॉफिट 1 फॉर्मूला लगाया है। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें कितने बंदे आ रहे थे? एक ही बंदा आ रहा था कि ए बी पार्टनर सी आ रहा था, और ए बी सी 3 पार्टनर डी आ रहा था, ए बी सी डी पार्टनर ई आ रहा था। एक बंदा आ रहा था, एक, दो दो बंदे नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक एक बंदा आ रहा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर 2 बंदे आएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये देखिए बोर्ड पे देखिए, एक क्वेश्चन अलग से जो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, बोर्ड देखिएगा। मैं लिखता हूं कि ए और बी 2 पार्टनर है 3:2 के लिए। मैं लिख दिया कि सी और डी 2 बंदे एडमिट हुए, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए और डी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। बस क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर दिया, क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर दिया। ये नहीं बोल रहा कि किसने किससे लिया, कितना सैक्रिफाइस किया। जब कुछ नहीं बोल रखा होता तो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला कौन सा है? लेट द प्रॉफिट 1। कौन सा फॉर्मूला है? लेट द प्रॉफिट 1, जो आपको पहले दिन से बताया गया है कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेट द प्रॉफिट 1। 2 पार्टनर इकट्ठे आ गए, अब कितने पार्टनर इकट्ठे आ गए? 2। कुछ भी नहीं करना, कोई नया काम नहीं है, पुराने का पुराना काम है, करना कुछ नहीं। फॉर्मूला तो वही है, केस नंबर 1, लेट द प्रॉफिट 1, सीज एंड डीज शेयर। C का शेयर है 1/4 और D का शेयर कितना है? 1/5। रिमेनिंग पहले तो एक में से हम अकेले बंदे का लेस करते थे, अभी तक आपने ऐसे किया पहले क्वेश्चन के अंदर, एडमिशन के पहले क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे किया, 1 में से एक बंदे का लेस करते थे।
लेकिन इस क्वेश्चन में कितने बंदे आ गए? दो। कितने बंदे आ गए? दो। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अरे पुरानी बात ही है, बस क्वेश्चन घुमा दिया, दो बंदे आ गए तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करके एक में से लेस कर दूंगा। बात तो बराबर ही है, पहले एक बंदा आता था उसको मैं एक में से लेस कर देता था, अब दो इकट्ठे आ गए तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करके एक में से लेस कर दूंगा। बात तो बराबर ही है, तो कैसे लेस करूंगा, बोर्ड देखिएगा, एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, ब्रैकेट चल रही है, 4 5 5 4 यहां आ गया, 1 - 9/20 11/20 रह गया, कितना रह गया, 11/20 किसके लिए रह गया, किसके लिए रह गया, ए और बी के लिए। भाई सी का तो ये रहा, डी का ये रहा, जो बच गया सी को दे दिया इतना, डी को दे दिया इतना, एक में से टोटल तो एक होता है, हमने बताया था टोटल तो एक होता है, अब एक में से सी ले गया इतना, डी ले गया इतना, इन दोनों को देने के बाद कितना बचा, जो बचा कितना बचा, 11/20 बचा, किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। हैंस इज न्यू शेयर, पहले कितना था इसका, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 11/20, पहले वाला पुराना काम, मैंने कल भी बताया था जूम क्लास में कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो, कटिंग ना किया करो, कटिंग करोगे तो आप ही का लॉस है, आपका आंसर लास्ट में कहीं पर बहुत लेट मैच करता है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 11/20 और सी का शेयर कितना है, 1/4, डी का शेयर कितना है, 1/5। क्या अभी आंसर आ गया, आंसर कब आएगा, आंसर कब आएगा, जब रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, देन आंसर आएगा। ये देखिए फिर 33/100 रेशियो 22/100 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 100 पढ़ी जा रहा, दिख रहा कैमरा हमारा, ठीक है 33, 22, 25 और 20 मतलब 33:22:25:20 ये आपका क्या आएगा आंसर। भैया क्या चेंज किया आपने इस क्वेश्चन के अंदर, भाई मैंने क्या चेंज किया, मैंने एक ही जगह पे दो बंदे ले लिए, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, फॉर्मूला वही है, जब कुछ नहीं बोला, जब कुछ नहीं बोला कि कितने शेयर के लिए कितना सैक्रिफाइस किसने किया, तो मैंने फॉर्मूला तो ये अप्लाई करना पुराने वाला, क्या फॉर्मूला मेरा, लेट द प्रॉफिट वन, जिसमें से सी का शेयर 1/4 है, डी का कितना है 1/5 है, रिमेनिंग 1 में से 1/4 प्लस 1/5 दोनों प्लस करके 1 में से माइनस कर दिए, कितना बच गया, 11/20 बचा, 11/20 बचा, वो किसके लिए बचा, ए और बी के लिए, 3/5 × 11/20 2/5 × 11/20 सी का 1/4 डी का भी कितना, भी पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कल्ला एक आता था तो मैं कल्ला एक लेस करता था, अब दो आगे दो लेस कर, काम तो वही है, अब पहले एक कान पकड़ रहे थे अब दोनों कान पकड़ लेने हैं, बात तो बराबर ही है, खत्म क्वेश्चन, कोई डाउट, एग्जाम्पल नंबर 13 निकालूंगा, सब बच्चे भी बुक निकाल लीजिए और बुक के साथ साथ अंडरलाइन कीजिए, सब बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, सब बच्चे साथ साथ अंडरलाइन कीजिए, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी आपके इक्वल पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एंड दे एडमिट सी एंड डी, दो बंदे आ गए, पहले ए और बी थे दो बंदे थे, फिर दो बंदे नए आए सी एंड डी, अब एक बंदा नया नहीं आया, कितने बंदे नए आए, दो बंदे नए आए, कहता सी आया 1/5 शेयर के लिए, सी कितने शेयर के लिए आया 1/5 और डी कितने शेयर के लिए आया 6, कितने बंदे आए राणा जी, दो बंदे आए, तो लेट द प्रॉफिट वन करके हम पहले एक में से कल्ले का लेस करते थे, अब दो इकट्ठे आ गए, 1 में से दोनों को प्लस करके लेस करते, देखो बुक में कर रहा, कल मैं झूठ बोलता हूं, 1 - 1/5 + 1/6 ब्रैकेट लगा के 19/30 बचा, 19/30 का ए का हिस्सा है 1/2, बी का हिस्सा भी कितना है 1/2 क्योंकि 1/2 इक्वल रेशियोज है, और सी कितना बचा 1/4 1 कितना है वो 1/5 और डी कितना है 1/6 पुट आउट, हाय सॉल्व पुट आउट, कितना आसान क्वेश्चन, दो बंदे इकट्ठे आना, कुछ नहीं करना, जब दो बंदे इकट्ठे आएंगे तो आपने कुछ नहीं करना, एक में से पहले एक कल्ले बंदे का लेस करते, तब कितने का लेस करना है, दो बंदों का लेस करना,
कुछ भी नई बात नहीं है, पुरानी बात है। जब मैं टेस्ट में दूंगा, मेरी बात ध्यान सुन लेना, मैं यहां एक और जोड़ दूंगा कि सी आ गया, डी आ गया और ई भी आ गया, तो आपने तीनों को लेस कर देना है। बात तो ये बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर आप बच्चों को कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन अपने आप निकलता चला जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये केस नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भैया हम न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, हम न्यू रेशियो निकाल क्यों रहे हैं? अरे भाई हम न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, हम न्यू रेशियो स्पेशली निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो के लिए। किस रेशियो के लिए? क्यों क्यों भैया सैक्रिफाइस का क्या काम है? अरे भाई सैक्रिफाइस रेशियो ही तो इस क्वेश्चन में काम आएगी, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो की गेम है। अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी आएगी तभी आपको जर्नल आएगा जो मंडे से स्टार्ट करना है, तभी आपको आगे क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा जो आपने थर्सडे से स्टार्ट करना है, जो आपको मैंने बताया था कि सबकी ज्वाइंट क्लास लेनी है मैंने एक, तो ये चैप्टर के टॉपिक तभी आएंगे जब आपको सैक्रिफाइस आएगी। और सैक्रिफाइस कब आएगी? जब न्यू रेशियो आएगी। कौन सी रेशियो आएगी? न्यू रेशियो। तो भैया बताओ जरा क्या साहब बता रहे जी, ये देखो जी भैया जी, सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अरे भैया ये तो आपने पिछले पेपर में कर लिया था, लेकिन भाई वहां पे आपको ओल्ड और न्यू गिवन थी, और अब आपको ओल्ड न्यू गिवन नहीं है, आपको निकालनी है। पहले मैं आपको ओल्ड और न्यू गिवन थी तो आपने कुछ नहीं करना था, लेकिन अब आपको ओल्ड और न्यू क्या करनी है? निकालनी। तो क्या करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि इस चैप्टर में सैक्रिफाइस निकलती है। भैया इस चैप्टर में सैक्रिफाइस क्यों निकलती है? क्योंकि जब नया बंदा आता है तो पुराने पार्टनर उसको हिस्सा देते हैं। जो अगला चैप्टर होगा, जो चैप्टर रिटायरमेंट है, कौन चैप्टर है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकलती है, क्योंकि जब बंदा जाता है तो दूसरे पार्टनर से उसे गेन होता है, तो वो चैप्टर अगला है। अभी हम इसी की बात करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकलती है इस चैप्टर से, क्या निकलती है? सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक एग्जांपल आपके साथ, एक एग्जांपल शेयर करते हैं, उससे पहले जरा हम लिंक डाल लें। हाँ जी, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशियो सी भी है, तीन पार्टनर हैं, उनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:3:2। बोर्ड देखिए ध्यान से, सब बच्चे जूम करके बेशक अपना बोर्ड देखिए ध्यान से, ठीक है। एक डी नया बंदा आ गया, और डी आने के बाद उन चारों की रेशियोज आ गई, न्यू रेशियो गिवन है। मान लीजिए आपको अभी निकालनी नहीं है, मैं आपको सैक्रिफाइस का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं सैक्रिफाइस निकलती कैसे है। पहले तीन बंदे थे, क्या रेशियो थी? 5:3:2। अब चार हो गए, कितने हो गए? चार। मान लीजिए उनकी न्यू रेशियो दे रखी है, आप बोलोगे भैया पहले तो तीन थे अब वो चार देख दिए। अरे भाई एडमिशन हो गया, एडमिशन मतलब एक बंदा नया आ गया। अगर एक बंदा नया आएगा तो बंदा बढ़ेगा ही, कम कोई होगा। और आपको बोला फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो, कौन सा रेशियो निकालो? सैक्रिफाइस रेशियो। अब मेरी एक बात सब बच्चे बड़े ध्यान से सुन लेना, मुझे सैक्रिफाइस बुक की तरह नहीं चाहिए, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुन लेना, मुझे सैक्रिफाइस बुक की तरह चाहिए, क्योंकि आपके आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना 15, 16, 17 उसमें पहले सैक्रिफाइस निकाल लिए, देन न्यू निकाल लिए, क्योंकि उनको करना आता है, उनको
करना आता है लेकिन आपको करना नहीं आता, तो आपको क्या करना है, पहले न्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, और देन लास्ट में फिर क्या निकालनी है, सैक्रिफाइस, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड माइनस न्यू। आपको बुक की तरह बिल्कुल नहीं करना, आपको किस तरह से करना है, जैसे मैं सिखाऊंगा। ये देखो, ये ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 3:2:2:3। भैया चार क्यों हो गए सौरभ जी? क्योंकि एक बंदा क्या हो गया, एडमिट हो गया इसमें। सही बात है। अब सैक्रिफाइस फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो पहले ए की निकालेंगे, ए का ओल्ड कितना है, 5:3:2, 5 और 3 10, 3 8 और 2 10, मतलब ओल्ड है 5/10। माइनस न्यू, न्यू कितना है, 3 और 2 5 और 2 7, ये भी कितना है 10, टोटल चारों का लेना है, तो आ गया आपका 2/10। कितना आ गया, बारी आई बी की, ओल्ड है 3/10 और न्यू कितना है 2/10, कितना आ गया 1/10। एलसीएम लेके करना है, सी ओल्ड है 2/10, न्यू भी कितना है 2/10, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 आ गया। भैया डी, भैया डी, अरे भैया डी, अरे भाई डी ही नहीं निकालेंगे क्योंकि डी एक नया बंदा है। भैया फिर टोटल 3 का लेना चाहिए, जब डी की नहीं निकालेंगे तो आपने डी का टोटल क्यों लिया? बात कर सकते हैं आप, क्वेश्चन वाइज कर सकते हैं। अरे भाई डी का टोटल इसलिए क्योंकि वो न्यू रेशियो का पार्ट है। किसका पार्ट है? न्यू रेशियो का पार्ट है। टोटल चारों का लेना है लेकिन निकालने सिर्फ किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो किसकी होती है, पुराने बंदों की होती है, और न्यू रेशो किसकी होती है, सालों की होती है। तो ओल्ड में 3 है, जितने ओल्ड में होंगे उन्हीं के सैक्रिफाइस निकलते हैं, कभी नए बंदे की सैक्रिफाइस ही निकलते हैं। वो तो वैसे ही आया है भाई, अभी क्या सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है जी, तो ओल्ड है 5/10, न्यू है 3/10, ओल्ड है 3/10, न्यू है 2/10, ओल्ड है 2/10, न्यू है आपकी 2/10। भैया डी, डी की नहीं निकालेंगे क्योंकि डी एक नया पार्टनर है, बट टोटल जरूर लेंगे उसका, क्योंकि वो न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो का क्या है, एक शेयर है उसका उसमें। ओके जी, तो ये देखिए फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो एक नंबर में पेपर में आती है, 1 मार्क्स में निकालने को आती है, कि आपको ओल्ड भी हो न्यू भी हो। ये चीज आप थर्ड चैप्टर में सीख चुके हो, गुडविल वाला चैप्टर में, पहला चैप्टर जो सैक्रिफाइस के लिए निकला था। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जब आपको ओल्ड भी गिवन होगी ये रही, और न्यू आपको निकालनी पड़ सकती है, जैसे अगले क्वेश्चन जो आएंगे न्यू निकालनी पड़ेगी आपको पहले, तो न्यू आगे मान लीजिए आपकी ये रेशियो इक्वल करके जो आपकी निकलती है, फिर ओल्ड ये रही, न्यू ये रही, फिर ओल्ड में से न्यू लेस करके क्या आएगी, सैक्रिफाइस कितनी आ गई, ए की कितनी आई 2/10 और बी की कितनी आई 1/10, मतलब जब नीचे इक्वल होता है तो ऊपर ऊपर उठा लेते हैं, तो मतलब क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आई 2:1, कितनी आई, ए की कितनी आई 2/10, बी की कितनी आई 1/10, सी तो 0 है, तो दोनों नीचे इक्वल है तो छोड़ दो, ऊपर चल लो 2:1 आपकी क्या आई, सैक्रिफाइस रेशियो आई। और जो ये सैक्रिफाइस रेशियो है ना, ये जड़ है जड़, इसके बिना अगला सारा चैप्टर क्लोज है, अगर आपको सैक्रिफाइस निकालना है। और सैक्रिफाइस निकालने के लिए क्या चाहिए, न्यू चाहिए, क्या चाहिए, न्यू। इसीलिए तो 4 दिन आपके न्यू रेशियो पे लगाए जा रहे हैं कि आप उसको बड़े ध्यान से सीख लो, अगर न्यू रेशियो नहीं सीखी तो खत्म काम, न्यू रेशियो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए स्लो स्लो, कल 4 क्वेश्चन कराए, परसों 4 क्वेश्चन कराए, आज 4-5 करवाऊंगा, स्लो स्लो लेके चल रहा हूं, बड़े ध्यान से काम करो बस। तो एग्जाम्पल नंबर 14 ये सेम है, जो मैंने वैल्यू लिखी है देखो, बिल्कुल सेम लिखी है मैंने वैल्यू, ओल्ड है 5:3:2, न्यू है 3:2:2:3, उसने बोला फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। सही बात, ओल्ड ये रही, न्यू आपको गिवन है, सैक्रिफाइस आता है। कोई डाउट है, इजी था काम सौरभ जी? हाँ जी, इधर से कुछ क्लियर, चले जी ऑनलाइन वालों को क्लियर होगा, डाउट होगा तो जूम मीटिंग है हमारे पास।
एग्जाम्पल नंबर 15, ये एग्जाम्पल नंबर 15 आप बच्चे अपनी बुक में देखें, ऑरली करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 15 आप चेक करें प्लीज अपनी बुक्स का। एग्जाम्पल नंबर 15, एक्स वाई जेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है 4:3:2 के लिए, एंड पी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज अ पार्टनर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बात खत्म। 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कितना सैक्रिफाइस किया, आगे ये लिखा है कितना किससे लिया, कुछ लिखा? जहां कुछ लिखा वहां फॉर्मूला कौन सा है? लेट द प्रॉफिट वन, लेट द प्रॉफिट वन। देखो लेट द प्रॉफिट वन लगा के उसने पहले न्यू रेशियो निकाली, 9:10 रह गया था, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 9/10, और डी का तो है ही था कितना, 1/10। अभी आंसर नहीं आएगा, आंसर कब आएगा? आंसर कब आएगा? जब रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी आपका 4:3:2:1, ये न्यू रेशियो। आगे अभी काम खत्म नहीं हुआ, उसने क्या बोला आगे, क्या निकालो? और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ये रही ओल्ड, लिख लेनी है, ये रही न्यू, चार बंदों की, चेक कर लीजिए बुक में, मैं झूठ बोलता हूं। देखिए ओल्ड तीन बंदों की है 4:3:2, न्यू चार बंदों की है 4:3:2:1, टोटल चारों का लेना है, निकालनी ओल्ड की है। पहले का 4/9 माइनस 4/10, भैया 10 क्यों लिया? अरे चारों चारों टोटल तो करो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, सही बात है। बी की बारी आई, ओल्ड कितना था बी 3/9 और न्यू कितना उसका 3/10। सी की बारी आई, ओल्ड कितना था 1/9 और न्यू कितना उसका 1/10। और डी, डी तो लेना ही नहीं क्योंकि डी तो क्या है, नया है, ठीक है जी। आपकी जो सैक्रिफाइस रेशियो आई वो कितनी आई, 4:3:2, सही बात है। जब बी है उसको तो लेना नहीं हमने क्योंकि तो नया बता है, कितना आसान क्वेश्चन। सैक्रिफाइस रेशियो तभी आएगी अगर आपको न्यू रेशियो आती है, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं आई तो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, सही बात। कैन वी गो नेक्स्ट? लो जी एग्जांपल नंबर पहले 15 पढ़ूंगा, पुराना केस रहेगा। पहले आप मुझे बताएंगे कौन सा केस है, ये बच्चे जब ये ऑनलाइन जो सुन रहे हैं मुझे, वो भी उस टाइम अपने मन में आंसर देगी हाँ हम सही। ए बी इज द पार्टनर द रेशियो ऑफ 4:1, ए और बी दो पार्टनर हैं। अब बुक में एग्जांपल नंबर कौन सा है? 16 होगा, मेरी बुक पुरानी है मेरे पास, जो अगला नेक्स्ट एग्जांपल है बस। ए बी इज द पार्टनर द रेशियो ऑफ 4:1, ए सरेंडर 1/4 शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 शेयर इन फेवर ऑफ सी एज अ न्यू पार्टनर। अरे भाई सी नया बंदा आ गया, लेकिन कल जड़ी बूटी सिखाई थी, कल रामबाण इलाज सिखाया था कि जब नए बंदे का हिस्सा नहीं दे रखा होगा ना तो क्या करना है, केस नंबर 3 अप्लाई, चौथा अप्लाई करना था कि जो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया और जो मल्टीप्लाई करके आया चौथे बंदे के लिए क्या हो गया, प्लस हो गया, ये सिखाया था। देखो वही केस अप्लाई किया, ऐसे याद रहेगा केस, ये तो वही है केस, ये तो वही जड़ी बूटी है, ये तो वही काम है। ये देखिए जरा नए बंदे का हिस्सा नहीं है, ये देख लीजिए ए ने कितना दिया 4/5 का, ए का तो 4/5 था, ए ने दिया 1/4, देखो मल्टीप्लाई कर रखा है, मैं छोड़ बोलता हूं 4/5 का 1/4 ए सरेंडर कर रहा है, बी का 1/5 का 1/2 बी सरेंडर कर रहा है, मल्टीप्लाई करके ए और बी में क्या हो गया, माइनस हो गया। अरे भैया सी कहां गया? अरे भाई जो मल्टीप्लाई करके आया, जैसे मैंने कल कशिश का एग्जांपल लिया था, कशिश ने 10-20 रुपए दिए, कृतिका ने 10 रुपए दिए, दोनों जोड़ दिए, दोनों जोड़ दिए, जो मल्टीप्लाई करके आया वो दोनों मैंने जोड़ दिए, वो मेरा न्यू रेशियो आ गया। तो ये 3/10 आया, कितना आया 3/10। हम बुक की तरह नहीं करेंगे, हम पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आपकी बुक में पहले सैक्रिफाइस निकाल रखी है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपकी बुक में पहले सैक्रिफाइस निकाल रखी है, आप पहले सैक्रिफाइस ही निकाल लेंगे, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों को, वो वीडियो चल रही है, अपनी किताब में देखो, अपनी किताब में देखो, आपकी बुक में सबसे पहले सैक्रिफाइस निकाल रखे। लेकिन आप ऐसा ना करो, आप पहले न्यू निकालो, आपको सैक्रिफाइस निकालनी आनी चाहिए। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। आपकी ओल्ड है, सेम आएगी, सेम आएगी भैया, सेम तो आएगी, जरा निकाल के दिखा दो, आ जाओ फिर आओ निकाल के दिखाते हैं सैक्रिफाइस सेम आ रही है कि नहीं।
लो जी आपको सैक्रिफाइस निकाल के दिखाते हैं। ओल्ड रेशो क्या थी जी, ए और बी थे ना दो बंदे, ओल्ड रेशो थी 4:1, अब आगे 3 हो गए, सी भी आ गया। अब आपकी जो न्यू रेशो होगी वो होगी 6:1:3। सैक्रिफाइस पहले ए की, ओल्ड कितना है ए, बोर्ड देखे ध्यान से 4/5, न्यू कितना है ए 6/10, एलसीएम लिया 5 2 10, 2 4 8, 10 से 10 कैंसिल, 2/10। हाँ जी बी का सैक्रिफाइस लिया 1/5 था, न्यू कितना है उसका 1/10, 10 2 1 1/10, 10 का इक्वल है तो आइडियल रेशियो कितनी आ गई आपकी 2:1। क्या मेरा सैक्रिफाइस सही है? हाँ जी मेरा सैक्रिफाइस बिल्कुल सही। आपने बुक की तरह नहीं चलना, आपने अपने तरीके से काम करना है। बुक तो चला रखा है आपको, बुक वालों को तो आता है, लेकिन आपने सीखना है और आपको दिखानी है अलग से नीचे वर्किंग नोट्स में, जब आप बड़ा क्वेश्चन करेंगे कि सैक्रिफाइस ऐसे निकली है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड दो बंदे थे न्यू 3 हो गए, टोटल तो तीनों का लेना है, निकालनी किसकी है? आड़े बंदों की। खत्म क्वेश्चन। पानी, बिल्कुल पानी, फ्री के नंबर, कुछ नहीं करना, फ्री पड़े हैं नंबर, फ्री लेने नहीं आ रहे बस। चलो एक स्टोरी सुनाते हैं तुम्हें। थोड़े दिन पहले ट्यूशन में जब पार्टी हुई थी उधर, सब बच्चों को मैंने पार्टी दी थी। किस चीज की पार्टी दी थी मैंने? एनिवर्सरी की पार्टी दी थी मैंने। कितने पैसे लगाए? 2,000 रुपए लगाए, नहीं 3,500 रुपए लगाया था। बट उसके बाद कई बच्चों के बर्थडे निकल चुके हैं और कईयों ने मुझे पहले के वादे किए हुए थे कि हम आपको पार्टी देंगे, लेकिन मुझे अभी तक पार्टी नहीं मिली। कईयों का आज भी बर्थडे है, गुरदीप पाजी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है जी, सब याद है, सबको मैंने पार्टी दी हुई है, भूलूंगा नहीं मैं। तो कोल्ड ड्रिंक थी कोक और फैंटा, स्प्राइट और कोक या फैंटा कुछ भी थे, 2-3 फ्लेवर थे। तो कई बच्चों ने क्या किया, एक उस थोड़ी सी स्प्राइट डाल ली, थोड़ी सी उसमें फैंटा डाल ली, थोड़ी सी कोक डाल ली, मतलब वो तीनों मिक्स करके पी रहे, ठीक है जी, मॉकटेल बोलते हैं, ठीक है, वो बना ली, वो उसको बना के पी रहे थे, मतलब मिक्स कर ली, मिक्स कर ली, मतलब तीनों का टेस्ट आ रहा है, बढ़िया बात है, तीनों टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों ने बर्गर छुपा लिया था नीचे अपने बेंच के, हम नाम नहीं लेंगे, वो हंस रहे होंगे इस तरफ सुन के कि जिसने छुपाया था, ठीक है जी। तो कोल्ड ड्रिंक कोक स्प्राइट और फेंटा तीनों को एक साथ मिक्स कर लिया, उसको पिया, आनंद आया, बड़ा आनंद आया। वही चीज अब कर लेंगे, क्यों ना एक क्वेश्चन मिक्स कर दे, फिर क्वेश्चन मिक्स कर दे भैया, ये क्या मतलब आपका, मैं दो केस इकट्ठे एक में डाल दूं कैसे भैया? आ जाओ जरा बोर्ड पे, सब बच्चे बोर्ड देखेंगे, सब बच्चे बुक को साइड रखे, अपने क्लास ऑनलाइन में भी जो बच्चे ऑफलाइन में साथ बैठे हैं वो भी तो सामने बोर्ड देखेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी साथ में अपना मोबाइल पे अपना ब्लैक व्हाइट बोर्ड चेक करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगी, ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 के लिए, हमारे फॉर्म में एक सी एडमिट हो जाता है, सी एडमिटेड, जो सी एडमिट होता है सी का शेयर नहीं दे रखा, सी गेन 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, सी एडमिट, सी गेट्स, सी एक्वायर, सॉरी ऐसे लिखेगा एक्वायर, सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। क्वेश्चन देखिए, ए और बी पार्टनर है, सी आया एडमिट हुआ, वही रामबाण तरीका, नए बंदे का हिस्सा
नहीं है, क्या करना है, बट मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, तीजे की रीडिंग क्या, अब थोड़ा चेंज कर दिया, सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए, ये तो ड्रैक है, 1/10 फ्रॉम ए ड्रैक लिखा है, अगर ड्रैक लिखा है तो क्या करेंगे, ड्रैक लेस करेंगे, बट 1/4 ऑफ हिज शेयर, क्या वर्ड आ गया, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, बीच में कौन सा वर्ड आ गया, ऑफ हिज शेयर, कौन सा वर्ड आ गया, ऑफ हिज शेयर मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम ए मतलब डायरेक्ट, भैया फ्रॉम लिखा तो है, अरे भाई फ्रॉम तो बाद में लिखा है, तो ग्रामर समझ लो ना, 1/10 फ्रॉम ए सीधा डायरेक्ट, दूसरा लिखा 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, मतलब दूसरा फॉर्म यूज हो गया, इससे लिया गया, मतलब एक मल्टीप्लाई वाला है और एक क्या है, डायरेक्ट है, तो कोक भी मिला दी और फैंटा मिला दी, आप ही के दिखाओ, आओ जरा, आओ भैया लाओ जरा हमें, देखो जी अगर दिखते हैं, सी ध्यान से कंसेप्ट पता है ना, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट नहीं पता रट्टा मारा तो कुछ नहीं होता, सी एक्वायर फ्रॉम ए, ए कितना ले रहा है, 1/10 ए से तो डायरेक्ट 1/10 ही ले रहा है, सीधा ही ले रहा है, फ्रॉम ए फ्रॉम बी सीधा बताया था मैंने, सी एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है, उसके हिस्से का कितना हिस्सा है उसका, 2/5 उसके हिस्से का 1/4 उसके हिस्से कितना ले रहा है, 1/4 उसके हिस्से का 1/4 2/20 अरे भैया आपने ऐसा क्यों किया, पागल बना रहे हो आप हमारा, अरे भाई पागल क्यों बना रहे हैं, ये देखो उसने डायरेक्ट दिया फ्रॉम ए, उसने दिया ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाई करके दिया, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, सौरभ जी झूठ बोलता हूँ, बोलो क्या झूठ बोला, झूठ तो नहीं बोला, सौरभ जी भी हाँ कर रहे हैं, नहीं झूठ बोला जी आपने, ठीक है जी, और ये चीज इसमें ऑफ हिज शेयर दिया तो मतलब उसने अपने हिस्से का दिया, तो 2/5 का 1/4 दिया, एक डायरेक्ट 1/10 फ्रॉम ए फ्रॉम बी, सेकंड का बी एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, सेवंथ एग्जांपल, आप ऐसा कर चुके हैं फ्रॉम ए फ्रॉम बी डायरेक्ट लेस कर रहे हो, तो आपको तो याद हो गया, दूसरा ऑफिस शेयर वाला भी कर चुके हैं जिसमें नए बंदे का हिस्सा नहीं ले रखा होगा, दोनों केस मिक्स आ गए, को फैक्टर इकट्ठी आ गई, तो अब ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू हिस्सा कितना है, पहले ए कितना था, 3/5 ए ने कितना दे दिया, उसने डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट लेस हो गया 1/10, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, 1 × 5 = 10, बी का न्यू शेयर कितना है, पहले कितना था बी का, 2/5 उसने कितना दिया, 2/20 उसने मल्टीप्लाई करके दिया, कोई चक्कर नहीं थी, देने दो 8 − 2 = 6/20, अब बारी आई सी, हाँ भाई सी, मतलब कोल्ड ड्रिंक कोक फैंटा इकट्ठी ग्लास में डाल दी ना, ग्लास ये रहा ग्लास, हाँ भाई ए से कितना लिया तुमने, भाई जी ए से मैंने 1/10 लिया, और बी से कितना लिया, 2/20 लिया, दोनों प्लस कर दिया, 10 × 2 = 20, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 20, आ गया क्वेश्चन, दोनों मिक्स करके ग्लास में डाल दी, लो बट अभी आंसर नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, जब तक वो इक्वल नहीं होगा, ये देखो ए कितना था, 5/10, 6/20, 4/20, LCM आएगा 20, 10, 6, 4, छोटा करना चाहते हो 5, 3, 2, दोबारा सिखाते हैं, दोबारा से बात करते हैं, फिर क्वेश्चन बुक वाला करेंगे तो और इस तरीके से समझ आ जाएगा, क्वेश्चन का केस है मिक्स केस, मिक्स केस मतलब दो केस इकट्ठे आ गए, एक तरफ डायरेक्ट ले लिया फ्रॉम ए, दूसरे से लिया ऑफ हिज शेयर, कैसे लिया, उसके हिस्से का इतना हिस्सा, शेयर सॉरी, तो एक से तो डायरेक्ट ले लिया देखो बोर्ड पे, दूसरे से मल्टीप्लाई करके कि सर 2/5 था, 2/5 का 1/4 दिया उसने, कितना दिया 1/4 मल्टीप्लाई कर, ए का ए से डायरेक्ट लेस हो गया और बी ने मल्टीप्लाई करके 2/20 उसमें से लेस हो गया, सी का कहां गया, ए री कोक ए री स्प्राइट दोनों प्लस करके आ गए, एक से डायरेक्ट लिया था एक से मल्टीप्लाई दोनों प्लस करके ये आ गए, बट अभी आंसर नहीं आएगा, आंसर कब आएगा, जब ये चीज ऐसे ऐसे, सही बात है, अपनी बुक का नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो ऐसा है,
अनिल एंड सुनील आर पार्टनर, द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से पढ़े, अब वीडियो साइड में रख दीजिए, चल रही है वीडियो, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज, सुन रहे हैं, बस मेरी आवाज चाहिए सुनने के लिए आपको। जब मैं कहूं फोन देखो फिर फोन देखें, ताकि आप लोग थोड़ा टाइम लगता रहे। अब बुक देखें, पेंसिल साथ रखें। एंड दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st अप्रैल 2020। ठीक है जी, दो 1st अप्रैल 2020 से एक नया बंदा चरण, मतलब सी हमने एकेडमी किया अनिल। अब हमारे दिमाग में घंटी बजेगी, इसमें नए बंदे का हिस्सा दे रखा, नए बंदे का हिस्सा नहीं ले रहेगा, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस करो, जो मल्टीप्लाई करके जिस बंदे के लिए कर देना प्लस कर देना। अब देखें क्या केस है, आगे देखें। अनिल गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, आई एम राइट, ऑफ हिज शेयर मतलब मल्टीप्लाई, मतलब अनिल ने 3/5 है अनिल के ऊपर, 3:2 रेशियो है, 3/5 का 1/3 दिया अनिल ने, कोई डाउट इसमें। फिर बारी आई दूसरे की, सुनील, सुनील गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, चेक कर लो अगर मैं झूठ बोलता हूं, अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, फ्रॉम हिज शेयर, मैं तो देखने कोई जरूरत नहीं है, बुक देखो, फ्रॉम हिज शेयर टू चरण, मतलब एक बंदे ने मल्टीप्लाई करके दिया और एक बंदे ने क्या दिया, डायरेक्ट दिया। अब देखो बुक आगे, अनिल का 3/5 था, उसने 1/3 दिया, तो 3/5 मल्टीप्लाई में 1/3 1/5 आ गया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया उसने। सुनील ने डायरेक्ट दिया 1/10, देखो सुनील का डायरेक्ट लिखा उसने 1/10 डायरेक्ट लिखा सुनील से सैक्रिफाइस। अब आ रही अनिल न्यू शेयर, अनिल का पहले कितना था 3/5, कितना दे दिया उसने 1/5। फिर बारी आई सुनील की, 2/5 था, उसने डायरेक्ट ही दिया है, कितना दिया डायरेक्ट 1/10, उसका डायरेक्ट लेस हो गया। बुक में देखते रहे, मेरे तो देखने कोई जरूरत नहीं आपको। और चरण कोक पेप्सी दोनों इकट्ठी मिला दो, एक बंदे से उसने 1/5 लिया था, एक से उसने डायरेक्ट लिया था, दोनों प्लस कर दिए, यानी एक मल्टीप्लाई वाला था और एक डायरेक्ट वाला, दोनों प्लस कर दिए, रेशियो आ गई 2/5 3/10 3/10। बट अभी आंसर नहीं आएगा, आंसर कब आएगा, जब रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, रेशियो इक्वल हुई 4:3। इजी है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इतना आसान सा क्वेश्चन करवाया आपको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन हुए यार, 5 हो गए, ठीक है स्टॉप, कोई टेंशन नहीं, 5 क्वेश्चन 5 एग्जांपल हुए, कल आगे करेंगे, स्लो स्लो करवा रहा हूं, प्लीज आई रिक्वेस्ट बड़े ध्यान से करने हैं, ठीक है जी, बड़े ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को करना है। और कल हम आपको 1 2 कल भी 4-5 जाएंगे, परसों अगर क्लास आधे घंटे के लेनी हुई तो मैं ले भी लूंगा, प्रॉब्लम इसमें एक आधा क्वेश्चन जाना हुआ चल जाएगा, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। सो आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज 7 की 7 काम करो, प्लीज 7 की 7 काम, आई रिक्वेस्ट प्लीज, ठीक है, ख्याल रखें, थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं, पहले मेरी ऑडियो आएगी, वो आपकी ऑडियो जो आएगी वो वीडियो से 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप होगा उसमें, उस डेढ़, मान लो आपके पास वीडियो अगर ऑडियो आती है 2:30 बजे तो 4:30 बजे क्लास होगी आपकी, जूम मीटिंग पे लेट होगी आज आपकी क्लास, ठीक है, तो पहले आपको उसका लेक्चर भी आएगा, देन आपकी जूम मीटिंग क्लास होगी, तो 1 घंटे का बीच में डिफरेंस होगा, उस 1 घंटे के बीच में आपने उस ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, देन वीडियो आएगी, फिर उस वीडियो को देखना है, ओके, ख्याल रखें, मिलते हैं।